बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज थी कि हाइमोसिक्स के अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर आमिर साहब जो हैं, अब मेरे प्यारे भाई हैं, और आप लोग जो है अक्सर सोलर पैनल्स के हवाले से, ख़ास तौर पर लॉन्जी के हवाले से हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो पब्लिक हो चुकी हैं। हाइमोसिक्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है और ये पीछे आप लोग देख रहे होंगे व्यूवर्स, आमिर भाई के पास स्टॉक आ चुका है। लेकिन हाइमो 6 में डिफरेंस क्या है हाइमो 5 के हवाले से, इसके कौन कौन सी रेटिंग के जो सोलर पैनल है लॉन्जी में, हाइमो 6 में भी वो आ रहे हैं, कौन कौन से वेरिएंट आ रहे हैं उसमें, इसमें एफिशिएंसी का कितना डिफरेंस है, मतलब ए टू जी सारी चीजें जो है इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, और एट दी एंड आपको प्राइस भी। और आप लोग लाहौर में अगर परचेज करना चाहते हैं तो खुद विजिट करके कैसे परचेज कर सकते हैं, एक एक चीज होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, कैसे हैं? अल्लाह ताला का शुक्र, आप कैसे ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का, बड़ी मुश्किल से इस दफा टाइम मिला। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मसरूफियत, क्योंकि इनकी इंस्टॉलेशन जो है ना माशाल्लाह काफी चल रही होती है, सोलूशनिंग के हवाले से जो है काफी इनके प्रोजेक्ट्स, अराउंड 500+ प्रोजेक्ट जो है आमिर भाई इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह कवरेज भी इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर मिलेगी। आमिर भाई, लॉन्जी सोलर पैनल, ठीक है, हाइमो 5 आया, हाइमो 6 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइमो 5 एंड हाइमो 6? बेसिकली तौर पे लॉन्जी ने, चूंकि एफिशिएंसी में बिलीव करता है, तो उन्होंने इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करके एक जरा नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया। इसमें ये एन टाइप जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और पैनल की एफिशिएंसी को इन्होंने साइज के वही साइज रखते हुए इन्होंने एफिशिएंसी को इंक्रीज किया है। और हाइमो 6 जो है वो तकरीबन वो 1% 1.something% जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू हाइमो 5, और नो डाउट लॉन्गी हाइमो 5 में भी बेस्ट परफॉर्मेंस में जा रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मजीद चूंकि कंपनी बड़ी कंपनी है और बड़ा नाम है लॉन्जी का, तो उस लिहाज से वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के ऊपर लगे ही रहते हैं। और अच्छा, इसकी लुक्स बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू, अगर आप हाइमो 5 देखें तो आपके पीछे लगा हुआ है, ये बिल्कुल डार्क सेल कर दिया इन्होंने, और कट सेल टेक्नोलॉजी थी उसी तरह कट सेल में इन्होंने थोड़ा डिजाइन को भी इन्होंने जो वो डायमंड शेप के अंदर वो सामने जो है फेसिंग किया है, और बड़ा देखने के लिहाज से भी बड़ा बेहतर है, क्वालिटी के लिहाज तो है ही है। अच्छा, एक्सपो में मैंने इसको थोड़ा सा कवर किया था और उसमें बहुत ज्यादा लोगों की क्यूरीज थी, जिसमें डीलर या अथोराइज, क्योंकि लोग डरते हैं और उनका डरना भी हक पे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो आजकल अल्लाह माफ करे जो चीजें चल रही हैं स्टिकर के हवाले से, लास्ट टाइम मैंने आपको एक लॉन्जी का भेजा था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कि किस तरह लोग जो है स्टिकर रिप्लेसमेंट कर, वो बहुत अफसोस हुआ मुझे उस क्लाइंट के लिए कि वो उन्होंने उस पर स्टिकर जो है वो अपना लगा कर उसको लॉन्गी का पैनल शो कर लिया, जबकि वो उनका पैटर्न ही नहीं है लॉन्गी के स्टिकर का, जो उन्होंने वो बाईफिशियल था, और आप ये देख रहे हैं पास बाईफिशियल, और वहां पे जो स्टिकर है वो जो आपने मुझे शेयर किया बहुत ज्यादा, बल्कि मुझे अफसोस है, और जो लोग ये बायर है मैं समझता हूँ बेचने वाला तो फ्रॉडिया है ही है, जो खरीदने वाला ना उसे लालच नहीं करना चाहिए 2-3 रुपए के लिए, वो जो है आप किसी जगह पे नुकसान उठा लेते हैं। अच्छा, जो हाइमो 5 और हाइमो 6 में, एक तो एफिशिएंसी में डिफरेंस है, जैसे कि उसमें 21.5% थी हाइमो 5 में, और हाइमो 6 में जो है वो 22.8% तकरीबन 1.something जो है ना इसमें 1.3%। इसके अलावा आया कि इसकी वारंटी में भी कोई चेंज किया गया है, या वारंटी एज सच सेम है जिस तरह हाइमो 5 की थी? नहीं, हाइमो 6 की भी वारंटी एज पर हाइमो 5 की तरह ही है, 10/25 ईयर की वारंटी है। वारंटी में अगर आपको चेंजिंग मिलता है तो वो सिर्फ बाईफिशियल में मिलता है, वो 12 ईयर उसकी वर्कमैनशिप वारंटी है, एंड 30 ईयर जो है उसकी वो अपना लिनियर पावर वारंटी जिसे आप कहते हैं वो है। और हाइमो 6 के अंदर इन्होंने वेरिएंट लॉन्च किए हैं, 4 वेरिएंट हैं वो मुख्तलिफ इंशाल्लाह उसके ऊपर, अभी चूंकि हमने प्रॉपरली वो स्टडी नहीं किया हुए, इंशाल्लाह वो 4 वेरिएंट के ऊपर इंशाल्लाह अगर आप दोबारा मौका देंगे तो हम जरूर एक डिटेल उसको स्टडी करके वीडियो आपको गाइड करेंगे। अच्छा आमिर भाई, इसमें ऐसे है कि इसमें एक तो 4 जो वेरिएंट्स हैं, जैसे कि मैं वो गाइड कर देता हूँ, एक आर्टिस्ट मॉडल है जी, बिल्कुल, इसमें गार्डियन है, इसमें एक्सप्लोरर है, इसमें और साइंटिफिक है इसमें, इसका हम एक अलग ही सेशन रखेंगे जिसमें आप लोगों को डिफरेंस बताएंगे कंपैरिजन का, कि क्या कंपनी ने किस मकसद के तहत जो वो जो लॉन्च किए हैं। अच्छा, इसमें लॉन्जी का जो रेटिंग वाइज है, जो कि हाइमो 6 आ रहा है, इसमें रेटिंग वाइज आया कि कितनी रेटिंग के सोलर पैनल जो है वॉटेज के हिसाब से जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? हाइमो 6 जो है वो 560 वाट से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और 580 वाट तक जो है वो इन्होंने उसे लेकर गए हैं,
और वैसे फ्यूचर के अंदर इनका जो है वो 720 वॉट के अंदर भी सोलर पैनल लॉन्च हो रहा है, 720 वॉट जी लॉन्गी कर रहा है, और उसके अंदर साइज के अंदर भी 30 mm का इन्होंने जो है वो फर्क दिया है, और स्ट्रक्चर जो है उसका जरा मुख्तलिफ किस्म का होगा। ये इंफॉर्मेशन अभी हमारी एक कॉल के दौरान हमारी ये बात हुई थी, अभी इंशाल्लाह एक कुछ टाइम के अंदर मार्केट के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर ये आपको चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी। 720 के अंदर भी जो है वो लॉन्गी जो है वो सोलर पैनल स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है आमिर भाई के जो लॉन्जी है वो बेसिकली एक तो जिस तरह इसके जो डायमेंशंस हैं उस पर भी वर्क कर रहे हैं कि डायमेंशन सेम हो, ठीक है, और रेटिंग ज्यादा हो और एफिशिएंसी ज्यादा मिले। हाँ जी, वो फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी यही है कि जो है साइज के अंदर रहते हुए उसको एफिशिएंसी उसकी जो इंक्रीज की जाए, लेकिन अब साइज के अंदर भी थोड़ा सा चेंज आएगा चूंकि पैनल 720 वाट के अंदर, तो डेफिनेटली जो है उसके साइज के अंदर भी फर्क आएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि जिस तरह अब क्योंकि जो माफिया बैठा हुआ है, जो स्टिकर रिप्लेसमेंट वाला माफिया है खास तौर पे, उनमें क्या चीज़ होगी कि जो हाइमो 6 आ रहा है इसमें कैसे बचा जाए कि इसके मतलब कि ओरिजिनलिटी को पहचानने के लिए, कि हमें कैसे पता चलेगा, क्विक डिसीजन हो कि यार ये जो पैनल है ये ओरिजिनल कंपनी की जो है। एक तो ये है जिसमें थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ कि अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचते हुए एंड यूजर परचेजर कैसे पहुँचे, उसको नहीं पता। देखें, अब हमारी तो लोकेशन वैसे मौजूद है, लोग कोयटा से भी हमारे पास आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, और इवन के कुछ इतने अच्छे कस्टमर है जो कहते हैं कि हमें रेट्स इशू नहीं है, हमें प्राइसेस इशू नहीं है, हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट का इशू है, हमारे एरिया के अंदर हमें प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं मिलता। तो आप हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट करें, आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, आप हमें गाइड कर दें। गूगल पे लोकेशन मौजूद है, आप आमिर पावर सॉल्यूशन लिखें, आपको एड्रेस लोकेशन हर चीज़ फ़ोन नंबर आपको मिल जाता है। इसके अलावा ये है कि आप जब परचेजिंग करें तो पैनल को पैलेट शीट उसकी उसके साथ मांगें, 31 पीसेस की पैलेट शीट है, उसके ऊपर पैलेट का रिकॉर्ड होता है, हर पैनल के बारकोड्स होते हैं, वो लाजमी उनसे आप मांगें। उसके अलावा उसके डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करें, डॉक्यूमेंट्स में फ्लैश रिपोर्ट के साथ अपने बारकोड्स को मैच करें। उसके अलावा आप जो पैनल खरीद रहे हैं कोशिश करें कि आप पैलेट के अंदर से उनको खरीदें, और उसके अलावा आप इसके जो जंक्शन बॉक्स है उस पर लॉन्गी प्रिंटिंग चेक करें, स्टिकर के कॉर्नर्स चेक करें, वो राउंड शेप में होना चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर जो जो मिरर के अंदर इम्पोज हुआ होता है ऊपर जो बार कोड जो लिखा हुआ है जी, देखिए जो मिरर के अंदर इम्पोज हुआ बार कोड है वो स्कैन नहीं होता, उसको आप लॉन्गी की वेबसाइट के ऊपर जाएं, longi.com उस पर गूगल पे लिखें, उसकी वेबसाइट में जाएं, वहां पे आपको मॉड्यूल ऑथेंटिफिकेशन का एक कैटेगरी मिलती है, उसके अंदर जाएं और वहां पे आप अपना ये जो बार कोड है जो मिरर के अंदर वाला है उसे आप एंटर करें, और उसके ऊपर आप देखें, उसमें आपको वो उसका ग्रेड भी बताएगा कि ए ग्रेड का पैनल है और इतने वाट का सोलर पैनल, इतने वाट का, असल रेटिंग का भी उसमें जो है ना, क्योंकि शीशे के अंदर से तो जो है चेंजिंग करना वो नामुमकिन है, तो ये जो है ये तरीकाकार इफेक्टिव है। बाहर से जो बैक साइड से बार कोड है उसको भी स्कैन करें, और ये सारी चीजें जो है आप वेरीफाई भी करें, डॉक्यूमेंट्स के साथ टैली करें जी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स का एक और चीज भी है आमिर भाई के, मैंने ये चीज सुनी है कि डॉक्यूमेंट्स को भी लोग जो है ना वो फोटोकॉपी करके और फोटोकॉपी दर फोटोकॉपी और ये चीजें कर रहे हैं। इसमें ऐसे हो रहा है कि कुछ लोग जो है वो पीडीएफ एडिटर से ना ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स को, वही वाले डॉक्यूमेंट्स को जो है आप जो बार कोड है उनको एडिट करके, क्योंकि मेहनत तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं ना जो जिन्होंने दो नंबर ही कर लिए, तो पीडीएफ एडिटर जो है उसे एडिट करके वो आप बारकोड जो है वो वाले जो अपने उनके बारकोड्स हैं उसमें एंट्री कर लेते हैं, लेकिन जब आप स्कैन करते हैं फ्रंट मिरर के अंदर से तो ये वाला डाउट जो है वो आपका निकल जाता है। इसके अलावा उसका पैटर्न में भी डिस्टर्बेंस आ जाती है जब आप ऑनलाइन एडिटिंग करते हैं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट जो आईटी के बंदे हैं वो फौरी तौर पे पहचान लेते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़ाछाड़ी हुई हुई है कि टेंपरिंग हुई हुई है उनके साथ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अभी मेन जो है कि प्राइसेस थोड़ी सी डाउन हुई है, प्राइसेस अपना मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस कोई ऊपर जाती है कभी रिवर्स नहीं होती थी, लेकिन आज ये बड़ा सुनहरी मौका है परचेजिंग करने के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना ज्यादा वैल्यू डाउन नहीं हुई है जितना जो है इस वक्त परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे जितना रेट गिरा और इस वक्त जो रेट है वो तकरीबन जो है वो 100 के आसपास जो है वो जा पहुंचा है, और हाइमो 6.5 जो है उसका रेट 95 रुपीज तक भी जो है वो मिल रहा है। अच्छा, तो और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जब सुनते हैं ना तो फिर वेट भी कर लेते हैं और सोचते हैं कि यार ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है इसको अडॉप्ट करना चाहिए, अब जो हाइमो 5 है वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है उसको हम परचेज ना करें।
आप क्या समझते हैं कि हाइमो 5 उतनी ही अहमियत रखता है जितनी की हाइमो 6 रखता है, और हाइमो 5 की एफिशिएंसी में जितना का डिफरेंस को 1 पॉइंट समथिंग का है, क्या हाइमो 5 को प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए प्राइसेस के हवाले से? 5-6 रुपए 7 रुपए पर वॉट में कम प्राइस में आपको मिल रहा है। देखिए ये एक ना बड़ा आपका एक जो है बड़ा डीप कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है जी। अब देखेंगे हमारे यहाँ पर डिमांड और सप्लाई को अगर आप देखें, हाइमो 6 की सप्लाई हमें कितनी मिल रही है, जो कि ना मिलने के बराबर हमें सप्लाई मिल रही है, और कंपनी हमें ऑर्डर्स दे भी नहीं रही, मतलब हाइमो 5 को वो हमें प्रेफर कर रही है पाकिस्तान के लिए, हाइमो 6 को फिलहाल नहीं कर रही है। तो उस लिहाज से अगर आप हमारी डिमांड का देखें तो पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा है सोलर पैनल्स के लिए एतबार से। तो उस लिहाज से अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है 5-6 रुपए का, क्योंकि हमारे पास तो हर तरह का कस्टमर है, क्योंकि हमारा कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी सबसे नंबर वन प्रायोरिटी के ऊपर है, तो अगर कोई कस्टमर अफोर्ड कर सकता है तो जो डिफरेंस आ रहा है वो पे करके जाहिर है उसको एफिशिएंसी और नया मॉडल मिल रहा है उसे जरूर उसे अचीव करना चाहिए। लेकिन अगर वो उसकी 5-6 रुपए उसके लिए काफी मैटर करते हैं तो वो हाइमो 5 में भी चला जाता है, तो जाहिर है कि इससे पहले तो हाइमो 5 ही लॉन्ग ऑफर कर रहा था, और वो भी एफिशिएंसी के अंदर कोई आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1% का आपको एफिशिएंसी में फर्क है। दोनों की वारंटी भी सेम है, लॉन्जी है, दोनों लॉन्जी के हैं, और ये है कि प्राइस लेकिन बाईफिशियल अगर आप उसमें चले जाते हैं तो मैं समझता हूं कि हाइमो 6 चूंकि नई चीज है, लेकिन बाईफिशियल में आपको डबल ग्लास मिलता है, वो आपको अगर ये 1% इफेक्टिव है तो बाईफिशियल में बैक साइड से आपको कोई 4-5% का फर्क पड़ जाता है। तो अगर आप बाईफिशियल अफोर्ड कर सकते हैं तो बाईफिशियल को रोड पे रखा जाता है, वारंटी 5 साल की वारंटी भी ज्यादा। अभी जो हमारे पास जो हाइमो 6 पड़ा हुआ है हमारी बैक साइड, इसका स्टॉक हमारे पास मौजूद है जी। स्टॉक इस वक्त हमारे पास 560 के अंदर मौजूद है, 560 के अंदर मौजूद है। तो इसकी प्राइस हमारे व्यूवर्स के लिए जो है, ये जो वीडियो है इन मंथ ऑफ मई 2023 जी बिल्कुल शूट हो रही है, लिहाजा व्यूवर्स आप लोग लेटेस्ट प्राइस हमेशा लिया करें डेट के हवाले से, क्योंकि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन चलती रहती है। आज की डेट में जैसे कि 20 मई है, आज की डेट में इसकी प्राइस क्या है? हम इस वक्त जो सोल्यूशनिंग में अंदर है वो 106 के ऊपर लगा रहे हैं, आपको पता है सोल्यूशनिंग में थोड़ा सा रेट हमारा ज्यादा होता है, और ट्रेडिंग के अंदर हम इसे 102 और 103 तक ट्रेड कर रहे हैं आज की डेट के अंदर, आज की डेट के अंदर मतलब 102 से 103 रुपए। और जो हाइमो 5 है हमारे पास, हाइमो 5 हम 95 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 95 बाईफिशियल्स भी है हमारे पास, बाईफिशियल्स भी है, बाईफिशियल का क्या रेट है? वो 102 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, 102 का जी। तो व्यूअर्स हाइमो 6 का भी आपको बताया है, लोकेशन हमारी हुमा ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन जी बिल्कुल ऐसे ही है। गूगल के ऊपर आपको अगर आप लिखते हैं आमिर पावर सॉल्यूशन तो आपको नंबर डायरेक्शन वेबसाइट हर चीज मिल जाएगी। वैसे नंबर भी जो है ना लास्ट में रिपीट कर दें ताकि जो देखने वाले हैं वो फिर आपसे आप हमारे साथ इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0323-78-33-702। इसके अलावा हाफिज अदन साहब है हमारे ऑफिस में, अगर आपका कॉन्टेक्ट ना हो तो 0321-78-33-705 ये दोनों नंबर के ऊपर आप हमारे साथ रابطہ कर सकते हैं। एक चीज मैं बताता चलूं आमिर भाई की खास तौर पे, क्योंकि मैं इनके साथ तकरीबन 2 साल से अटैच हूं, इनके पास प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, जो सोलर पैनल्स और बाकी, वो ए ग्रेड में ही करते हैं, और इसी वजह से मेरी जो भी वीडियो आती है सोलर पैनल में लॉन्जी के हवाले से या बाकी, तो वो इनके साथ ही होती है, क्योंकि मेरा इन पे ट्रस्ट है कि इनके पास जो है कंप्लेंट रेशो सोलर पैनल्स में नहीं है। ठीक है, ये ना स्टिकर रिप्लेसमेंट में जाते हैं ना इन ऐसी चीजों को जो है ये ट्रेड करते हैं। तो ये है कि अपना आफ्टर सेल सर्विस, हमारा क्लाइंट कहता है कि आफ्टर सेल सर्विस हम पेड करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन चूंकि कंपनीज देती नहीं, हमारे पास ये है कि आपको अगर आफ्टर सेल में कोई इशू है तो हमारा 48 आवर्स के अंदर आपको बंदा विजिट करता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। हम नो डाउट जो उसके TA DA कस्टमर बेयर करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जिसका सिस्टम 10-15 किलो वाट का सिस्टम है, 25-30 लाख रुपए का सिस्टम जिसका बंद पड़ा होता है, उसको तो सर्विस चाहिए। यहाँ पे लोग 1 साल काम किया, कोई इश्यूज आए, कंपनीज मूव करेगी, माइग्रेट करेगी, मतलब प्रॉपरली काम करने वाली कंपनियां बहुत कम है। तो हम बड़ा इस चीज का ख्याल रखते हैं, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ है, आपको पता ही है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके रिव्यूज हमारे बारे में किस तरह के थे। तो ये वक्त के साथ ही डेवलप होते हैं, अचानक से तो नहीं, हमें 8 साल हो गए हैं हम ग्रिड टाई के अंदर और हाइब्रिड के अंदर काम कर रहे हैं, और हमारे सारे प्रोजेक्ट जो है वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है चीजें क्लाइंट की प्रेफरेंस और उसको जो जरूरत है उनको मद्देनजर रखते हुए हमने ये की है। व्यूवर्स ये थी तमाम तरह डिटेल्स, आप लोग सोलर पैनल्स के हवाले से अगर परचेज करना चाहते हैं, एड्रेस भी आपको बता दिया है, आउट ऑफ सिटी से हैं, उधर से ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग इनसे जो है। और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं व्यूवर्स के, माजरत के साथ, मिनिमम 5 पैनल का ऑर्डर जो है, हाँ जी मिनिमम हमारे इधर 5 पैनल का ऑर्डर ट्रेडिंग के अंदर जाता है, और सोल्यूशनिंग के अंदर हम 5 किलो वाट से स्टार्ट करते हैं, 5 किलो वाट इससे छोटी ना हमारे पास एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं है जी।
तो 5 पैनल जो मिनिमम है उनसे अगर आपका ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग इनको जरूर ऑर्डर दे सकते हैं। वीडियो पसंद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियोस का कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू। थैंक यू इम्तियाज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।